बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, चैप्टर नंबर वही 6, किंगडम प्रोकैरियोटी, फर्स्ट ईयर बॉटनी। आओ अब चलते हैं कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया के पास। कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंट्रोल? इट इज अ वे टू ब्रिंग द इन्फेक्शन इन पॉपुलेशन टू टॉलरेबल लिमिट्स आर टू मिनिमम लिमिट्स। तो ये वो तरीका है जिसके दौरान हम इन्फेक्शंस को बेटा पॉपुलेशन के अंदर कम कर सकें, उनको ऐसी हद तक कम करें बाबू जो हम बर्दाश्त जोगी हद जिसको कहते हैं ना, तो बर्दाश्त जोगी हद तय उनके घट क्यों या उनके मिनिमम लिमिट तय कंट्रोल क्यों बेटा घटाएं, इन्हें घटाने के तरीके के चाहे कंट्रोल। और बैक्टीरिया में कंट्रोल छो कि बैक्टीरिया बाबू आपको पता है कि दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं ना, एक होते हैं वो जो बेनिफिशियल होते हैं, दूसरे वो होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। तो हमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया का कंट्रोल नहीं करना है, इनका करना है हार्मफुल बैक्टीरिया को कंट्रोल करना है। क्यों? कि वो क्या करेंगे हार्मफुल बैक्टीरिया बेटा, वो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, उनका कंट्रोल करना है ठीक। और वो हम प्रोटेक्ट करेंगे अपने फूड को, क्योंकि स्पाइलेज करते हैं कौन? बैक्टीरिया करते हैं, वो हमारे लिए नुकसानदेह बीमारियां पैदा करते हैं, फूड स्पाइलेज करते हैं और डैमेज करते हैं किसको? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को। तो हम ऐसे बैक्टीरिया को कंट्रोल करेंगे जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जो नुकसान पहुंचाएंगे ना उनके कंट्रोल करना है। यू ना कि भाई ये असंजा बेनिफिशियल बैक्टीरिया के कंट्रोल करना न, असांखे कंहिंखे कंट्रोल करणो आहे नुक़सान पहुचाईंदड़ बैक्टीरिया खे कंट्रोल करणो आहे। हाणे कीअं कंदासीं? ॾिसो देर आर सेवरल मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल फॉर द टू द कंट्रोल इन्फेक्टियस माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। ऐसे कुछ मेजर्स हैं बेटा जो हमें उठाने पड़ेंगे, वो उठाते हैं किसके लिए? फॉर द कंट्रोल ऑफ इन्फेक्टियस बैक्टीरियाज, इन्फेक्टियस माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स सच एज फॉलोज। नंबर वन, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। पहले पहले पुट रही हुआ ट्रीटमेंट करना है। अगर कोई बीमार बंदा है घर के अंदर, उसका इलाज करना है, ये नहीं कि छोड़ देना है कि भली वो बीमार है कि पड़ा रहे, नहीं, उसका इलाज करना है। अगर उसका इलाज नहीं करेंगे तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। मैं आगे दिखाता हूँ आपको कि किस तरह वो इन्फेक्शन स्प्रेड होगा, तो इसका इलाज करना है, इसको कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो ये भी कंट्रोल में रोल प्ले करता है। अच्छा, नंबर टू है प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट, ये भी कंट्रोल में रोल प्ले करता है बेटा। और ये क्या है प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? मतलब ही आहे अहिड़ो इलाज जेको असां बीमारी लॻण खां पहिरियां कयूं, बीमारी लॻने से पहले करें ना, उसको प्रोफाइलेटिक कहते हैं। अच्छा, ये वो ट्रीटमेंट है जो बीमारी के बाद करते हैं भाई, किसको क्यों मलेरिया हो गई है उसका इलाज करेंगे, या मलेरिया का पहले से इलाज करते हैं? नहीं, मलेरिया हो गई उसका फिर इलाज करेंगे ना, टीबी हो गई उसका फिर इलाज करेंगे, टाइफाइड हो गया उसका फिर बाद में इलाज करेंगे, ठीक है। तो बाद के इलाज को पोस्टफाइलेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं। हिन के छा चवो पुट आहे जेको पहिरियां कजे प्रोफाइलेटिक, जी मिसाल जे तौर ते हेपाटाइटिस आहे, बी आहे, चवंदा आहिनि वैक्सीन अची विया हुनजी, हाणे वैक्सीन बाबा पोलियो आहे, पोलियो ॿार खे थियो त कोन्हे को, पर पोइ बि हुनजो तव्हां इलाज कंदा हुओ, उन इलाज खे छा चवंदासीं? प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट कहेंगे बेटा। ये बात अपने ज़हन में रखें। अब किस तरह करेंगे? डिफरेंट तरीके होते हैं, इम्यूनाइजेशन के तरीके से भी करते हैं, ये इसका टाइप है, वैक्सीनेशन उसके तरीके से भी करते हैं। इम्यूनाइजेशन में तो डिफरेंट चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं ना बॉडी के अंदर, जैसे एंटीजन्स हैं, इम्यून सेल्स हैं वगैरह वगैरह। और वैक्सीन में, सिर्फ वैक्सीनेशन में सिर्फ हम वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर कि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्गर कर सकें, कि वो फाइट कर सके उन जरासीमों के साथ। तो इस तरह हमें बॉडी मतलब कि कंट्रोल कर सकते हैं बीमारियों का, इन्फेक्शन का बॉडी के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर बेटा वो टॉलरेबल लिमिट तक उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं क्या है कि तीसरा कह रहा है बाबू डिसरप्शन। डिसरप्शन का मतलब है ख़त्म कर देना, तोड़ देना। किसको तोड़ना है? ऑफ साइकिल ऑफ पैथोजन बेटा। अगर बैक्टीरिया की साइकिल है, आपने प्लाज्मोडियम पढ़ा ना, मलेरिया की साइकिल, फूल के ऊपर मॉस्किटो और ह्यूमन बीइंग, इस तरह ये साइकिल उसकी होती है, तो होस्ट में मतलब वो कंप्लीट करता है ना, तो उसकी साइकिल को किसी न किसी स्टेज पे ख़त्म करो, डिसरप्ट कर दो, तोड़ दो। जैसे हम पानी को ख़त्म कर दें, मॉस्किटो खत्म हो जाएंगे, मॉस्किटो खत्म हो गए तो प्लाज्मोडियम खत्म हो जाएगा, प्लाज्मोडियम खत्म हो जाएगा तो मलेरिया होगी नहीं ना। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी भी पैथोजिन की साइकिल को क्या करना है? डिसरप्ट कर देना है, तोड़ देना है, ख़त्म कर देना है किसी भी स्टेज में जो हमें मिल ले। चलो आओ अब एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए आप कि मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, क्या करना है हमें डिजीज़ को रोकने के लिए। ये यहाँ पे तीन पॉइंट्स बता रहा है बेटा, थ्री की इंटरवीनेशन पॉइंट्स हैं जो अवेलेबल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिजीज। आप देखें, नंबर पहली पॉइंट, इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। ये बंदा देखो इन्फेक्टेड है,
ठीक है, बीमार है। अब क्या करें, मैयर विच क्यूर एन इन्फेक्टेड पर्सन सो दे आर नो लॉन्गर इन्फेक्टेड। अच्छा, इन्हें जो इलाज करना है इसका पोस्ट फाइलेट ट्रीटमेंट करना है ना, अगर नहीं करेंगे तो ये देखो खांस रहे ना, तो फिर ये बीमारी के जरासीम जो है वो दूसरे बंदे तक जाएंगे, ये नॉर्मल बंदा है ये बीमार बंदा है। अच्छा पुटा, हिंदी बीमार खां जरासीम कहड़े तरफ वींदो है, तंदुरुस्त माण्हू जरासीम वेंदो ट्रांसफर थी, पर हाणे असांखे छा करिणो, इन इलाज कंदासीं, इलाज कंदासीं एंटीबायोटिक सां या एंटी मलेरियल ड्रग सां या एंटी अदर जेका आहिनि सबस्टेंस सां, त पोइ छा थींदो, उहो जरासीम मरी वेंदा, मरी वेंदा त इहे ट्रांसफर थींदा न, त ही इलाजु आहे। अच्छा नंबर टू चए थो, डिज़ीज़ ट्रांसमिशन किस तरह होती है, मतलब इसको कैसे रोका जाए, डिफरेंट मेजर्स आर टेकन टू ब्लॉक द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टस डिजीज। ये सारे आप देख रहे हैं ना, ये हमें मैयर्स उठाने होंगे कि जिस तरह हम इसके ट्रांसमिशन को रोक सकें। अच्छा, मॉस्किटो नेट्स यूज करने हैं, इंसेक्ट रिपेलेंट यूज करने हैं, इंडोर रेजिडुअल स्प्रे यूज करना है, गुड बुटर फूड यूज करना है, उनके प्रिपेयर करनी हो एडो टेक्निक्स जैसा जेका फूड जो प्रोडक्ट जेका क्वालिटी आहे और गुड हुजे, उनखां पोइ गुड हाइजीन इस्तेमालु करणा आहे, ट्रीटिंग ड्रिंकिंग वाटर खे ट्रीट करणो आहे, क्वारंटाइन करणी आहे, प्रोटेक्टेड करणो आहे पंहिंजो पाण खे सेक्स खां, क्लीनिंग सर्जिकल इक्विपमेंट्स एंड नीडल्स एंड एडुकेशन ऑन इन्फेक्शन इन्फेक्शंस बेटा प्रिवेंशन, एडुकेट करणो आहे पुटु माण्हुनि खे, ॿुधाइणो आहे माण्हुनि खे बाबा हिन तरीक़े सां बीमारियूं स्प्रेड थींदियूं आहिनि, पोइ तव्हां छा कयो त उन्हनि खां बचो, ही ॻाल्हियूं करे तव्हां बीमारियुनि खां बची सघो था। जीअं ॾिसो हिमल वायरस जे जेका कोरोना वायरस आहे पुटु, उनजे मुतालिक़ वठ वठा लॻी पई आहे, तव्हां ॾिसो पिया था भई के स्प्रेड थींदो आहे माण्हू खां हिकिड़े माण्हू खां ॿिए माण्हू में, पोइ हीअ मास्क वग़ैरह जेको पाराइनि था न, इहा बि मैयर आहे के कंट्रोल करिणो आहे, डिज़ीज़ खे रोकणो आहे, क्वारंटाइन करणी आहे, या मतिलबु के विच मां डिस्टेंसिंग करिणो आहे, हिक ॿिए जे खां दूरि विहणो आहे, त जीअं उहो वायरस हिकिड़े माण्हूअ खां ॿिए माण्हूअ ताईं न पहुची सघे। त पर इहे आहिनि मैयर्स। ओके, उन खां पोइ नंबर थ्री, एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स, मैयर्स विच प्रिवेंट पीपल एक्सपोज फ्रॉम बींग इन्फेक्टेड वाया इम्यूनिटी, मतिलबु थ्रू वैक्सीन्स। हाणे हिनखे छा कयूं पुटु, हिनखे वैक्सीन करे छॾियूं, वैक्सीन कंदासीं न त पोइ पुटु हीअ जरासीम हिन ते असर कोन कंदा, छो जो हिन जो अम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर थी वेंदो न, त पोइ इहे जरासीम जॾहिं ईंदा बि त हिन जो अम्यून सिस्टम हिन खे मारे छॾंदो। त बेटा इहे इसका अम्यून सिस्टम जो है ना, इसको हम स्ट्रॉन्गर करेंगे किसके थ्रू, वैक्सीन जो पहले हम बताया मैंने आपको पोस्टफाइलेटिक ट्रीटमेंट, ये पोस्टफाइलेटिक सॉरी ये क्या कहते हैं कि प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट आहे, हिते कयूं पिया असां पोस्टफाइलेट ट्रीटमेंट। हाणे हीअ आहिनि डिफरेंट मैयर्स जेके हिन ट्रांसमिशन खे रोके, भला जे नथी रोके न, त पोइ तव्हां हिन माण्हूअ खे इस बंदे को क्या करेंगे बेटा, वैक्सीन लॻा देंगे न, तो ये बंदा प्रोटेक्टेड हो जाएगा, अब ये बीमारी ट्रांसफर नहीं होगी। तो ये हैं कुछ मैयर्स जो उठाने हमने। अच्छा, उसके बाद आते हैं, ये देखें आप वैक्सीन, ठीक है बाबू, तो ये वैक्सीन लगानी है, अब वैक्सीन लगाएंगे ना तो बंदा जो है उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर हो जाएगा अगेंस्ट दैट डिजीज, ये वैक्सीन करनी है। अच्छा, ये देखो वैक्सीन हो रही है बच्चे को, वैक्सीन क्या है, वैक्सीन्स आर परफेक्ट डिफेंस अगेंस्ट बाबू प्रिवेंटेबल एंड कंटाजियस डिजीजेस दैट कैन बी डेडली। तो ये वो ऐसी बीमारी हैं बेटा जो मतलब के ज्यादा खतरनाक बीमारियां हैं ना, ठीक है, और ये हम क्या करेंगे, इनका प्रिवेंशन करेंगे, और इस तरह कि हमें मतलब बीमारियां ये नहीं मार सकती। तो वैक्सीन्स आर वन ऑफ द फास्ट safest medical product available, but there are some preventive measures one should adopt. बट ये प्रिवेंशन आहे, असां बीमारी लॻण खां पहिरियां ई इलाज करे छॾियूं त जीअं वैक्सीन लॻाए छॾियूं त बीमारी जो असरु असां ते न थींदो। हे ॾिसो, ही ॿार खे वैक्सीन जा ड्रॉप्स पिया अथनि जीअं पोलियो में पिया आहिनि, ठीकु बाबू। त इहे देखो, इहे हे अटैचमेंट इन्फेक्शन साइंसिस एंड असेंबलिंग एंड रिलीज। अच्छा, कोई भी स्टेज यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा, कोई भी इसकी लाइफ साइकिल के दौरान कोई भी पॉसिबल स्टेज है, आप इनको यहाँ पे किल कर सकते हैं, इनको आप यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। तो ये है तरीका इनको ख़त्म करने का। तो चलो, उसके बाद अगला जो ये है हम डिस्कस करते हैं पॉइंट अगले अपने लेक्चर में।